स्टाइल है, तो इसके ऊपर बढ़िया सा एक मैसेज है। देखिए और नीचे देखिए। ओ भाई यार, भीतर तो लाने से हमें दिखाने से हार्ट बना है और पंप हो रहे पंप। नमस्कार, सभी को स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो गुड आफ्टरनून फ्रॉम कोलकाता हावड़ा। यस, हावड़ा से आप लोग सभी को स्वागत है और शुभ दुर्गा पूजा, हैप्पी दुर्गा पूजा और शुभ अष्टमी। आज है अष्टमी, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है 5:30 और मैं बढ़िया से घटक में रेडी हो गया हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ पूजा देखने के लिए। दो तीन जगह मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ, कहाँ जाऊँगा क्या नहीं। उससे पहले मेरे को खाना पड़ेगा खाना, क्योंकि आने के बाद मैंने खाया ही नहीं, मतलब वीडियो एडिट कर दिया उसके बाद सोने लगा, क्योंकि कल रात को अच्छे से सोया नहीं, क्योंकि मतलब थर्ड एसी में ट्रेवल करते करते मेरा हैबिट हो गया था ना, तो उस स्लीपर में मेरा नींद आया ही नहीं, तो इसलिए दिन भर सोया और वीडियो एडिट किया। तो वही सीन है, अभी नीचे चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद प्लान करेंगे कहाँ जाने के, और आपको वीडियो के थ्रू कोलकाता का दुर्गा पूजा दिखाएंगे, और कितना बजट लगता है उसको लास्ट में बताएंगे। कोलकाता में दुर्गा पूजा करने में आने से आपको कितना बजट मतलब वो लगता है वो लास्ट में आपको मालूम चल जाएगा, मतलब इस सीरीज का लास्ट में। ठीक है, चले चलते हैं, खाना वाना खाते उसके बाद निकलते हैं। फाइनली रूम से निकल गया हूँ। ये था मेरा होटल व्हाइट हाउस, इसमें बहुत पैसा लिया मतलब बजट मेरा बिगाड़ दिया। बजट बिगाड़ने का मेन रीज़न था आपका उस सुबह का, मैं वो जो चूना लग गया ना, मतलब वो चेक इन करने नहीं दिया, उसीलिए पहले एक चाय पी लेता हूँ, उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। कोलकाता का आइकॉनिक बस और आगे आइकॉनिक टैक्सी, ये वाला आइकॉनिक टैक्सी, येलो टैक्सी, बहुत पसंद आया। देखिए एक साइड से हर कोई मतलब पूजा देखने के लिए जा रहे हैं, पूरा साइड से लाइन बाय लाइन, पीछे भी सेम आ रहा है आदमी, आगे भी सेम, हम लोग भी पीछे जा रहा हूँ। हम लोगों को कहाँ जाना है मालूम नहीं, लेकिन इन लोगों का पीछे पीछे जा रहा हूँ, जहाँ जाएगा हम लोग भी चला जाएंगे। रास्ता क्रॉस करने के लिए लाइन देखिए भाई, मतलब दुर्गा पूजा के लिए रास्ते पे ऐसा बैरिकेड जैसा बना दिया और मतलब ऐसे वॉकिंग कर सकते हैं। फुटपाथ में क्यों नहीं जा सकेगा, क्योंकि फुटपाथ में दुकान रहता है ना, तो दुकान रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा लाइन बना दिया, पैदल लेन, पैदल कर मतलब आना जाने के लिए, ये वाला फुटपाथ में ज़्यादा भीड़ होता है, तो इधर दे दिया। बढ़िया, ये सॉलिड आइडिया, अच्छा लगा। काशी बोस लेन हम लोगों को जाना है, तो ये सब तो आप लोगों को पता ही है, इस तरफ से ट्रम ट्रेन चलता है। आपका ट्रम ट्रेन का टिकट 50-60 रुपये लेता है, एक राउंड मारता है आपको जहाँ पे जाना है, बहुत कम लो कॉस्ट में, लेकिन लिमिटेड टाइम पे चलता है, दिन में एक या दो बार चलता है, पहले चलता था रेगुलरली, आजकल लिमिटेड सिर्फ टूरिज्म के लिए रख दिया, मतलब नहीं जो ट्रैफिक जाम हो जाता है ना, चक्का जाम हो जाता है, वही सीन है। अभी हम लोग फर्स्ट पूजा मंडप जा रहे हैं, काशी बोस लेन इधर है आगे 200 मीटर आगे। तो फाइनली फर्स्ट मंडप दर्शन कर लिया, पूजा वूजा कर लिया, अभी बिंदास घूमेंगे। अभी दूर से देखने से भी होगा, क्योंकि पहला मंडप में जाके आराम से आरती वरती ले लिया, फर्स्ट मंडप वो भी आरती मिला पूरा परफेक्ट टाइम में। पूजा दर्शन कर लिया, तो अभी अपना पेट को भी दर्शन कराना पड़ेगा खाने का, तो मोमो ले लिया आपका चिकन मोमो, कितना पीस दिया, 5-7 पीस दिया होगा, 70 रुपीज़, 70 रुपये वाला मोमो, जो क्वालिटी है ना, जैसे हम लोग खाते ना आपका हॉटपॉट में, गुवाहाटी में जो जो खाया होगा 200 रुपये का जो हॉटपॉट में मोमो मिलता है ना, जूसी मोमो, यहाँ पे 70 रुपीज़ में वही टेस्ट। गुवाहाटी में 200 रुपये लेता है पर प्लेट, 200 रुपये आपका 8 पीस मिलता है, लेकिन आपका टेस्ट यहाँ में 70 रुपये वाला वही टेस्ट है। कोलकाता में खाने में आप कभी भी निराश नहीं होगे, बढ़िया खाना। ओह, खाना पीना हो गया, अभी निकलते हैं पूरा दर्शन करने के लिए, पूजा देखने के लिए। वो खाना जो है ना स्ट्रीट में, खाना वाना देख के मेरे को मतलब रहा नहीं जा रहा है, बजट का हिसाब से बजट और टेस्ट, बजट भी है और आपका बजट का अंदर भी है और टेस्ट भी है, तो मतलब रहा नहीं जा रहा है, मुँह ललचा रहा नहीं जा रहा, ऐसा हो रहा है। तो पहले मुझे जो देख लेता हूँ उसके बाद मतलब क्या खाना पड़ेगा, और आपको रेकमेंड करूँगा जो खाना अच्छा लगता है वही सीन है। ओह, पहुँच गया और एक पूजा मंडप, डिस्पोजेबल जो प्लेट है वही से डिज़ाइन किया है, बड़े बढ़िया लगा मेरे को, मतलब क्या होता है आप उधर से अगर पैदल जाएंगे ना तो रोड का डिस्टर्ब होगा, मतलब गाड़ी का डिस्टर्ब होगा, आपका भी प्रॉब्लम होगा, तो ये वाला सीन सही लगा। अभी तक ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया लाइन पे पकड़ रहा हूँ। ओ भाई, इसका अंदर भी लाइन था, मेरे को मालूम ही नहीं, आखिरकार जो पूजा मंडप देखने आया था वो देखने को मिल रहा है। 21 चाइल्ड अब्यूज रेप, उसके ऊपर थीम बेस्ड, मतलब ये आपका पूजा मंडप है, चाइल्ड अब्यूज रेप बलात्कार ये सब के ऊपर थीम बेस्ड मतलब बनाया गया, थीम के ऊपर, बढ़िया लगा, लेकिन अच्छा एक मैसेज है, मैसेज
एक अच्छा मैसेज है इसमें, इस जो पुतला है ना, पुतला में एक अच्छा मैसेज है, आप अच्छे से गौर कीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। अभी जो पूजा देखा, पूजा मंडप, उसको देखते मतलब उसको देखने के लिए एक घंटा लाइन पकड़ना पड़ेगा, एक घंटा एंट्री का टाइम में आधा घंटा और एग्जिट का टाइम में आधा घंटा, इसीलिए थोड़ा थकान मिटाने के लिए आपको फुटपाथ में ऐसे बैठ लिया, थकान मिटाने के लिए। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन, थोड़ा रेस्ट करता है, उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन जाना पड़ेगा। भाई कोलकाता भाई, सोचा नहीं था ऐसा, मतलब भीड़ भड़का होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड जैसा जर्नी है मेरा। पैदल जाते रहो, बस उस कहीं नहीं मिलेगा आपको। इस तरफ खाने का दुकान देख कर ना मेरे को मतलब दिल ललचा रहा है। मटन बिरयानी 140, चिकन बिरयानी 100, मटन कसा रोटी 160। ये भाई क्या बोलूं, मतलब कोई मेरे को रोको भाई रोको, एक से बढ़कर एक आइटम, वो भी आपका बजट फ्रेंडली, मेन बात है बजट। मटन कसा चार पीस मटन कसा सिर्फ 150 रुपीज। दुर्गा पूजा है इसलिए तो प्राइस मतलब हाई करेगा, वो नहीं, प्राइस डिसेंट प्राइस ही है, जो कोलकाता में प्राइस रहता है वही प्राइस है। दुर्गा पूजा लेके आपको प्राइस चेंज किया नहीं, वही प्राइस जो चलता रहता है वही प्राइस है। दुर्गा पूजा स्पेशल कुछ प्राइस नहीं है, हम लोग वहाँ पे जैसे दुर्गा पूजा स्पेशल प्राइस चेंज होते रहता है, यहाँ पे नहीं होता है, वो अच्छा लगा मुझे। हर एक पूजा मंडप के लिए आपको लाइन पकड़ना पड़ेगा, तो जो थीम बेस्ड पूजा मंडप है उसके लिए आपको लाइन तो पकड़ना पड़ेगा, पूरा नेसेसरी है। देखिए हम लोग जाएंगे इस तरफ, ये हम लोग का थीम बेस जो है पूजा मंडप दो नंबर है, और ऐसे नॉर्मली 5 से 7 पूजा मंडप हम लोग विजिट कर ले हो, ये आपका थीम बेस जो पूजा मंडप रहता है उसका ये दो नंबर है। वाओ, बैक साइड में आपका आयरन का है, आयरन लोहा का है, ये जो पूजा मंडप है आपका लोहा से बनाया, आयरन से, जो बैकग्राउंड में पूरा जो सिस्टम है आयरन लोहा से बनाया। এই বছর যেমন আবোল তাবোলের জন্ম শতবর্ষ, এই বছর মৃত্যু শতবর্ষ। ये जो पंडाल का थीम है ना, हार्ट बनाया है, मतलब हम लोग का ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट है, हार्ट बनाया है, और वो भी पंपिंग हो रहा है। वाओ, ये देखिए आप, তাদের বাড়িগুলি আমাদের রং করতে অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়াও আমরা কৃতজ্ঞ রাজ্য সরকার, কলকাতা পুলিশ। का थीम पे बगल वाला घर उसको भी मतलब थीम में कन्वर्ट कर लिया, मतलब इसका वाइट कलर थीम है ना, अगर इसमें दूसरा कलर रहता तो मतलब मैच नहीं होता, इसीलिए इसको भी कलर उलर करके पेंट उंट करके कन्वर्ट कर दिया, मतलब पूरा थीम बना दिया। मतलब भीड़ में हालत खराब हो गया मेरा, एनर्जी फुस। ब्लॉगिंग करते करते और लाइन पकड़ते पकड़ते एनर्जी खत्म। एक पापड़ी चाट लिया हूँ टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करते हो कैसा लगता है। इसका कॉस्ट है 50 रुपीज, लेकिन पापड़ी बहुत बड़ा है भाई, पापड़ी का साइज देखे ना बहुत बड़ा है। ये रात का 11:30 बजे का भीड़ है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आपको पैदल ही पूजा देखते हैं। यहाँ पे भीड़ दिखे ना भाई, जो भयंकर भीड़, भयंकर खराब हो गया। इस तरफ आपका खिलौना का दुकान, इस तरफ दुकान, इस तरफ खाने का दुकान, आगे आपका लाइट, यहाँ पे गाड़ी, यहाँ पे खाने का दुकान, कहाँ देखूँ मैं, यहाँ पे खाने का दुकान। ओ भाई, आपको अगर पूजा मंडप दर्शन करना है ना, ऐसा लाइन पकड़ना पड़ेगा, वो भी ये यहाँ से नहीं, ये आपका आधा किलोमीटर पहले लाइन है, इसका अंदर जाना पड़ेगा, फिर ऐसे आपका अंदर से फिर अंदर जाना पड़ेगा, ये वाला लाइन है, तो लाइन वहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ से तो आधा घंटा लाइन पकड़ने के बाद आपको मतलब जो पूजा मंडप है आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा। जो थीम बेस है एक्चुअली नॉर्मल जो रहता है वो आप इजीली दर्शन कर सकते हैं, जो थीम बेस पूजा मंडप है वो सब आपको दर्शन करने के लिए इतना भीड़ भड़का एरिया से जाना पड़ेगा, आपको इस लाइन पकड़ के जाना पड़ेगा। तो अभी रात का 12:30 बज रहा है, 12:30, और आप आदमी का भीड़ देखिए, गाड़ी का छोड़िए, लोगों का भीड़ देखिए। दिस इज कोलकाता दुर्गा पूजा, रात का 12:30 का टाइम। ओ फाइनली पूजा देखना हो गया, अभी टाइम हो रहा है 2:30, और जैसे 11 बजे का माहौल था वैसे ही है, माहौल को चेंज नहीं हुआ, होल नाइट पूजा देखते हैं यहाँ पे आदमी लोग, लेकिन मेरा हो गया, टाइम हो गया 2:30, और ऐसे होटल जाएंगे, जाके सो जाएंगे, खाना पीना हो गया, तो ये चीज़ें बाकी विस्तार में आपको कल सुबह बताऊँगा, अभी बताने का मूड में नहीं हूँ क्योंकि बहुत टायर्ड हो गया हूँ, ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर वॉकिंग हो गया है, तो कल सुबह बात करेंगे बढ़िया से। बाय बाय।